एक सिपाही के रूप में मैंने काम किया और माननीय मोदी जी से मैंने शिक्षा ग्रहण की कि भाई जिस तरह से मोदी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से योगी जी प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भी दादरी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के कार्य में मैंने अनेक कार्य किए। मैं मुख्य कार्य बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले मैंने सोचा कि भाई अगर तू विधायक बन जाएगा तो जो बेरोजगारी है इसको दूर कर सके। मैंने विधायक बनकर देखा, मैंने पहले विधायक भी देखा, मैंने उनका फैक्ट्रियों के साथ कैसा संबंध था ये भी देखा, मैंने नौकरी भी की, मैंने बेरोजगारी भी झेली, मैंने वो सारी चीज नीचे की देखी और मेरे मन में एक नीति आई, मेरे मन में एक सपना आया कि जब तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी नौकरियों के लिए, जब तक गौतम बुद्ध नगर की बेरोजगारी। मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि माननीय योगी जी के कारण जनपद गौतम बुद्ध नगर में पहली बार जो लोकल युवा युवती है इनके लिए एक 40% का कोटा, जो कंपनी लोकल कंपनी है उसमें 40% योगी जी ने मेरे निवेदन पर, मुख्यमंत्री जी ने जो कंपनियों को जमीन दी जाती है अथॉरिटी के द्वारा, उसमें शर्त लिख दी है कि 40% स्थानीय युवा युवतियों को मैंडेटरी आवश्यक रूप से 40% का कोटा यहाँ के बच्चों से। मैं मानता हूँ कि इसका रिजल्ट थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जब से नियम बना है, वो फैक्ट्रियाँ बननी शुरू हुई, अभी शादी एक फैक्ट्री में कम्प्लीट होने जा रही है और उसके मालिक से मेरी बात हुई थी, उसने कहा था विधायक जी हम 1900 के साथ, जो साथ हमने जब हमको अलॉटमेंट लेटर मिला था कि 40% यहाँ के लोकल लेने पड़ेंगे, मैं इसकी शुरुआत करूँगा। एक कंपनी वाले ने उससे कहा, मुझे खुशी है कि विगल नीतियों के ये बेरोजगारी दूर नहीं की जा सकती, मैंने ऐसी नीति बनवाई। मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को बहुत धन्यवाद और बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे निवेदन पर ये काम किया। दूसरा साथियों, एक रूप बात दादरी भाई, मुझे याद है जब मैं विधायक नहीं था तो दादरी से इसलिए करते और धरना में यह बाईपास से जोड़ो, क्योंकि वो दिलपता कंटेनर से रूपबास तक बन गया था, रूपबास से जीटी रोड तक के। 2017 में जैसे एमएलए बनने का मौका मिला तो ये जो रेलवे रोड है जहाँ हम ग्रिड ट्रक कर पाते हैं, इससे इसकी रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज बनना शुरू हो गया। जब ओवरब्रिज बनना शुरू हो गया तो ग्रिड ट्रक आने के लिए और मुझे वो दिन याद थे कि जब बहुत धन्य प्रदर्शन थे इसकी मांग। हाईकोर्ट का स्टे था किसानों, हाईकोर्ट के 3 जज आए दादरी में और इस रास्ते निकालने की बात करी, लवास से आए लेकिन रास्ता नहीं निकल पाया। मैंने उस रास्ते को माननीय मुख्यमंत्री से कहकर, ग्रेटर नोएडा से और एनटीपीसी से बात करके उस रास्ते को, उस बाईपास को स्टे के बावजूद एक दूसरी जगह एनटीपीसी से लेकर उसको निकलवा दिया, जिससे ग्रेटर नोएडा बहुत ऐतिहासिक कार्य है। इससे दादरी का व्यापार बढ़ा, इससे ग्रेटर नोएडा के वासियों को, ग्रेटर नोएडा के वासी हैं उनको सस्ते दर पर सामान उपलब्ध हुआ, चाहे सब्जी है, चाहे फल है, चाहे कपड़ा है, चाहे जो भी सामान वो जाते हैं उस ग्रेटर नोएडा के मुकाबले सस्ते दर उपलब्ध है। इसका ग्रेटर नोएडा को, दादरी को और जो लोग ग्रेटर नोएडा, नोएडा के और दूसरी जगह के लोग दादरी से उगर के मेरठ तरफ जाते हैं, मुजफ्फरपुर तरफ जाते हैं, हजार तरफ जाते हैं, उनको भी इससे बहुत, ये भी ऐतिहासिक काम था। और साथियों, एक मैंने, मुझे याद है जब माननीय शिवपाल यादव जी की सरकार थी, वो माननीय अखिलेश जी की सरकार थी तो शिवपाल यादव जी उसमें फेडरल गवर्नमेंट थी, जब तहसील में आए दादरी उसका उद्घाटन करने तो घोषणा करके गए, एक सड़क पीडब्ल्यूडी की थी जो नगर पालिका जी की रोड के सामने से रेलवे रोड नहर की पटरी पर थी, जो थी जिसकी हालत, क्योंकि दादरी के पत्रकार बैठे हैं कि जिसकर मैं कहता हूँ कार निकलना, गाड़ी निकलना, मोटरसाइकिल निकलना और पैदल चलना भी आसान नहीं था, और जिसका वो वादा करके गए थे उसको उन्होंने बनाया, उसको मैंने बनवाया और उसको दादरी में एक राजकीय इंटर कॉलेज लेकर के मैं आया और उसकी मंजिल पर लेकर बढ़ गया।
दादरी में मेरे को पीजी कॉलेज दादरी पीजी कॉलेज मैं शिक्षा हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई बच्चों की शिक्षा के बगैर बच्चे तरक्की नहीं कर सकते, हमारा क्षेत्र तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए मैंने 3 प्रयोगशालाओं के लिए शासन से पैसा दिलवाया जिनका काम चल रहा है। एक मैंने दादरी में पुस्तकालय, मैं सोचता हूँ, मुझे सुदेशा पाटिल की याद है, जब मैं MLA नहीं था, इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल था, तो सुदेशा पाटिल डेविस के रूप रहने वाली थी। जब उसका सिलेक्शन अमरीका में स्कॉलरशिप पर कैंडिडेट करने के बाद पढ़ने के लिए हुआ, तो मैं उसको सम्मानित करने गया और मैंने उससे बहुत देर बात की। मैंने उसकी हॉबी पूछी, मैंने पूछा बेटा तुम कैसे सेलेक्ट हो गई, मैं पूछा बेटा तुमने कहीं कोचिंग करी, कहीं ट्यूशन लिया, कुछ करा? आप राशि करेंगे, उसके पापा एक कंपनी है, उसके सामने क्लास में चाय देखते हैं, एक कमरा है, 3 बहन जो वहीं थे वो सब पढ़ देते हैं, और आप भी सब पढ़े लिखे, आप भी देखते हैं कि जो हाई फाई लोग होते हैं उनके बच्चों के अलग अलग कमरे, अलग ट्यूशन की व्यवस्था उनकी होती है, लेकिन उसकी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। उस लड़की के इकोनॉमिक डेट में 100 में 100 नंबर थे, वो लड़की अमरीका में पढ़ने चली गई क्योंकि गरीब थी। जब 1 साल के बाद अपने घर लौटी तो अपने मामा जी के यहाँ औरंगाबाद का फर्नीचर में जा रही थी, उसके चाचा का लड़का स्कूटी से उसे ले जा रहा था, उसके एक्सीडेंट हो गया, उसकी जोड़ भी। मैंने जब भी खाना अपने मन में, और देवेंद्र शर्मा यहाँ बैठे हुए हैं, इनके मांग थी कि भाई दादरी में एक लाइब्रेरी बने, ये मुझसे कहते जब मैं MLA बना था, मैं पब्लिक लाइब्रेरी चाहता हूँ, मैंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में चाहते पब्लिक लाइब्रेरी बनवाऊँगा। खुशी की बात यह है कि मैंने NTPC के एहसास से 1 मंजिल पब्लिक लाइब्रेरी वहाँ बनवाते हैं। मिहिर बोध को जब उसका समय जब ले है, उसका मिहिर बोध से कोई वास्ता नहीं है, उसका अलग रहेगा, और उसमें अभी इसी महीने फर्नीचर आ जाएगा, फर्नीचर भी नया, उसका लोकार्पण तो मैंने इसलिए करवा दिया था क्योंकि एक अधिकारी जिन्होंने पैसा दिवाने मदद करी उन्हें डर हो रहे थे, तो उसका इस महीने फर्नीचर आ जाएगा, अगले महीने से जुलाई से लाइब्रेरी चालू हो जाएगी। वो चालू होने में